हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन ब्लॉक। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास कुछ कंट्री की करेंसी है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी वैल्यू क्या है और वो दिखते कैसे हैं। सपोज करो पोलैंड का नोट, यूरो का नोट, और जहाँ मैं अभी रहता हूँ नॉर्वे का, उधर के नोट, और इंडिया का और डॉलर का भी बताऊँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं, सारा चीज़ बताऊँगा मैं आपको, कौन कौन से नोट है, कहाँ के, कितनी वैल्यू है इंडिया में उनकी, और ये कहाँ कहाँ चल सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ मैं अभी पोलैंड के नोट से। तो दोस्तों, ये पोलैंड का नोट है, ये पोलैंड। तो इसकी अभी वैल्यू जो चल रही है 19 रुपये चल रही है इंडिया का, मतलब ये 10 का नोट है, मतलब इसको बोलते हैं जिलोटी, जो पोलैंड में चलता है। आप देख सकते हैं, ये जिलोटी है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं, ये पोलिश का बैंक। तो ये 10 का नोट है और 19 रुपये चल रहा है अभी इंडिया का रेट। और ये भी 10 का है, ये भी सेम ही है 10 का नोट। और इसका पेपर देखना कितना मस्त है। अगर से इंडिया का देखा जाए तो इंडिया का 10 का नोट ये है, हमारा इंडिया का नोट। तो इंडिया का तो देख लें, और इस ये नोट भी देखो। तो पेपर इंडिया का और इसका सिमिलर ही पेपर है, कोई नहीं है फॉल्ट, ये आप देख सकते हैं इंडिया का। और इसमें से सिक्के देख लो पोलैंड के, ये है 2 जलोटी, इसको बोलते हैं 2 जलोटी। 2 जलोटी है, ये है 20 ग्रोशे, मतलब हम लोग पैसे बोलते हैं ना, ये लोग ग्रोशे बोलते हैं। अगर से 20 ग्रोशे है ये, अगर से आपको बड़ा नोट है 10 का, 20 का, 30 का, तो वो भी है। ये है एक जलोटी, 1 रुपए, मतलब इंडिया का 19 रुपए होता है इधर का, 1 रुपए पोलैंड का। तो और ये है 2 जलोटी है, तो 50 ग्रोशे, मतलब 50 पैसा अपने इंडिया का, आप देख सकते हैं। और फिर बाद में सेकेंड बात करूँगा डॉलर की। तो डॉलर तो आपको पता है, ये अमेरिका का डॉलर है, और इसका अभी रेट इंडिया में चल रहा है 82 रुपीज़ इंडिया का, मतलब $1 अगर से हम उधर एक्सचेंज करेंगे तो 82। और इसका पेपर भी अच्छा है, लेकिन लगता है कि अच्छा पेपर अपना ही है, डॉलर से ही अच्छा। तो आप देख सकते हैं ये लोगो आगे से पीछे तक, ये डॉलर है। अब मैं सेकंड दिखाऊंगा आपको यूरो का, ये है यूरो, ये है 20 यूरो, जो अभी आपको पता है 93 तक गया था, अभी 88 चल रहा है, 87-88 चल रहा है। मतलब 1 यूरो का जो है प्राइस जो इंडिया में चल रहा है 88 रुपीज़, 1 यूरो 80, मतलब आपको मैं बता देता हूँ, ये 2 यूरो है, मतलब 2 यूरो 88, 1 यूरो का 88 है, 2 यूरो का है, आप 2 का गुणा कर लो 2 यूरो में, मतलब 88 का गुणा कर लो 2 का, तो पता चल जाएगा क्या रेट है। और ये इसको बोलते हैं यूरो, 1 यूरो 2 यूरो, ये आप देख सकते हैं सिक्का, इनका सिक्का देखो, ये देखो, ये है सिक्का यूरो का। यूरो का फ्लैग देखा है, उसमें स्टार बने रहते हैं, अभी सिक्के में भी स्टार बने हैं। और बात रही जलोटी की,
तो पोलैंड का भी वो फ्लैग में देखा होगा आपने, ये बना है, ये ईगल, ईगल बना है, ठीक है। तो सबकी पहचान कराऊंगा। और यूनाइटेड का भी फ्लैग में क्या बना है, ये ईगल इसमें भी है, तो इसका भी है, आपका सब पहचान बताऊंगा। और आपने देख लिया यूरो का रेट 88 है, और मेरे पास अभी ये 20 यूरो का नोट है, आप देख सकते हैं ये कैसा नोट है, ये आगे से पीछे से ये कितना साइन मार रहा है, ये यूरो है, ये यूरो का। ये कौन सी कंट्री का है, यूरो, यूरो है, ये है जर्मन का, जर्मन 2015। अब मैं बात करता हूँ जहां मैं रहता हूँ उधर के नोट की, तो ये है नोट, देख सकते हैं आप, 500 का, 500 का, 200 का, 100 का, तो आप देख सकते हैं इसमें अलग ही अलग है। इधर नॉर्वे की जो ये इसमें है ना फिश, ये फिश जो है नॉर्वे की सबसे पॉपुलर फिश है, आपने सुना होगा सलमन फिश, जिसका स्किन के अंदर का जो मीट रहता है पिंक कलर का रहता है, गुलाबी कलर का देखा होगा, फिश गुलाबी कलर का रहता है, तो ये फिश दर्शाया है। और ये इधर की नाव है, ये जो टूरिज्म में चलती हैं ये, ठीक, ओके, टूरिज्म में नाव चलती हैं ये, आप देख सकते हैं क्लियर इसका भी, और पीछे सिमिलर ही रहेगा, सबका सिमिलर ही रहेगा ये। और आप देख सकते हैं इंडिया में पहले बोलते हैं एक आना दो आना चलते थे, उसमें छेद होता था, तो ये भी पैसे जो हैं सिमिलर ही हैं। और इसका 1 क्रोन का, ये 1 क्रोन है, ये देख सकते हैं आप, ये 1 क्रोन का प्राइस है अभी 7 रुपये 70 पैसे चल रहा है अभी, रेट जो है ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप देख सकते हैं ये। और ये है 20 क्रोन, 1999 का, ये उसका देखिए, ये है 20, नया वर्जन में है ये 20 क्रोन, 1917 से 2017 तक, हर प्रकार के 10 10 क्रोन है। अगर से किसी को चाहिए हो तो बताना, जब मैं इंडिया आऊँगा तो आपको दे दूँगा कहीं का भी नोट। तो आपने देखा ये यूरो, और ये है जलोटी, सब देख सकते हैं, ये जलोटी में भी पीछे मार्क है। और अपने इंडिया का तो आपको पता ही है, ये है इंडिया के नोट 10 का 20 का, न्यू मोदी जी ने निकलवाया ये नए नए नोट, और ये 500 का। तो अगर से पेपर का कंपेयर किया जाए तो अच्छा पेपर इंडिया का है, इंडिया का नोट का पेपर, और यूरो का भी अच्छा है, यूरो का अगर से पानी में डालोगे तो ख़राब नहीं होता, ये भी पेपर जल्दी ख़राब नहीं होता पानी में डालने से, ये भी अच्छे पेपर हैं, ये सारा देख सकते हैं ये। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाया आप लोगों के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए कि कहाँ कहाँ कौन से नोट चलते हैं। और अभी मैं अभी नॉर्वे में हूँ दोस्तों, और मैं जॉब करता हूँ, तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे ये नोटों की कलेक्शन और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। और मैं सब कंट्री का नोट आपको जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ वहाँ का नोट दिखाया,
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, और आगे मैं और भी चीज़ें बताऊंगा और जॉब के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, और कौन कौन सी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है अगर से आपको पता नहीं है तो कैसे कैसे अप्लाई करना है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। तो दोस्तों घबराएं नहीं और मैं आपके साथ ही बना रहूंगा, जॉब और ये इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। तो अभी मैं प्रेजेंटली नॉर्वे में हूँ, आपको जैसे बताया, तो नॉर्वे के नोट ये, और पाउंड यूरो जलोटी, मैं पोलैंड भी गया हूँ, पोलैंड में 1 साल काम किया, साइप्रस में काम किया हूँ, और आपका यूएसए तो नहीं गया, ये मेरा फ्रेंड ने दिया था, और यूरो मैं जर्मनी भी गया हूँ, नीदरलैंड गया। तो दोस्तों क्रिसमस में मैं सोच रहा हूँ नीदरलैंड जाने के लिए, तो नीदरलैंड ही निकलूँगा, आपने देखा होगा सारा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारा नई इन्फॉर्मेशन देंगे, सारी चीज़ हम अपना घर दिखाएंगे आपको, नॉर्वे में कैसे कैसे घर बनते हैं और लोग कैसे कैसे रहते हैं। नॉर्वे में पॉपुलेशन बहुत कम है, 56 लाख है, तो छोटी छोटी सिटियां हैं इधर, इंडिया की तरह नहीं कि एक सिटी बहुत बड़ी बड़ी है। तो आप जान सकते हो अपने यहाँ तो एक सिटी में ही खाली 1 करोड़ लोग रहते हैं, तो ये 56 लाख की आबादी, मतलब 56 लाख लोग नॉर्वे में रहते हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, और छोटा कंट्री भी है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे रिच कंट्री यही है, 10 टॉप में आता है नॉर्वे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें कमेंट करें और बताएं।